अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में यूनिट नंबर 4 हेल्थ असेसमेंट का, ठीक है, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ स्किन हेड एंड नेक। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किन है क्या, ठीक है। स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। ये मेनली टू लेयर पर कंसिस्ट होता है, एक एपिडर्मस होता है, एक डर्मस होता है। जो हमारा एपिडर्मस है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और जो डर्मस है वो क्या है, वो डीपर लेयर है, ठीक है। और इससे नीचे एक लेयर्स मौजूद होता है, जिसको हम सबकुटेनियस टिश्यू से बना हुआ एक लेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मस भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये जो एपिडर्मस में जो है उसमें ब्लड विसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। डर्मस में जो है ये थिक लेयर है और डीपर लेयर है, ठीक है। ये स्किन स्किन के जो विसल्स है, नर्व्स है, हेयर फॉलिकल्स है, ग्लैंड है, इस डर्मस में मौजूद लोकेटेड होते हैं। हाइपोडर्मस क्या है? हाइपोडर्मस हमारे साथ एडिपोज टिश्यू से बना हुआ एक लेयर है, जो कि एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है। ये एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, ठीक है। अभी देखो, हम स्किन के असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? हम टू टेक्निक को यूज करके स्किन का असेसमेंट कर सकते हैं। कौन से? पल्पेशन और इंस्पेक्शन। इसके जरिए हम स्किन के असेसमेंट कर सकते हैं। ये याद रखना का, स्किन का असेसमेंट हम पल्पेशन और इंस्पेक्शन के जरिए करते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। हम क्या क्या असेस करते हैं? हम ब्रोजिंग को असेस करते हैं, ठीक है, और एक इसको हम इकोमोसिस भी कहते हैं, ठीक है। साइनोसिस, हम स्किन में साइनोसिस आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, स्पेशली लीव्स में, माउथ में, ठीक है, और जो हमारा ईयर लोब्स है, ठीक है, इसमें हम साइनोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिंगर नेल्स में, ठीक है। जो साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस जो हमारे बॉडी में ब्लूइश कलर अपीयर होता है, ऑक्सीजन जब कम मिलती है टिश्यू को, तो उधर साइनोसिस बन जाता है, उसका कलर चेंज होता है, तो उसको हम साइनोसिस कहते हैं, ठीक है। वो कॉमन साइड लीव से, माउथ है, और एयर लोब से, फिंगर नेल से, ठीक है। अभी पेलर क्या है? पेलर जब जुंडाइस कलर अपीयर हो जाते हैं हमारा बॉडी पर, येलोश कलर अपीयर हो जाते हैं, तो उसको हम जुंडाइस कहते हैं, ठीक है। वो और वो क्यों अपीयर होता है? उसमें जो आरबीसी है वो लेस हो जाती है, और हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है उसकी वजह से कम हो जाती है। अभी रबर है, रबर क्या होता है? जब हमारा आरबीसी और ऑक्सीजन ज्यादा किसी जगह पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब अभी जब इंफ्लेमेशन हो जाता है, तो इंफ्लेमेशन की वजह से वेजोडाइलेशन होता है, वेजोडाइलेशन उधर जो ब्लड सप्लाई है इंक्रीज हो जाता है, उधर उस जगह क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। अगर प्योर हो जाते हैं तो उसमें भी वेजोडाइलेशन होता है, और आरबीसी और ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो ज्यादा होता है, और पोलिसाइथीमिया में भी हो सकता है। ओके, पेटिकिया क्या होता है? जो हमारे साथ राउंड स्पॉट बन जाते हैं हमारी स्किन पर, राउंड स्पॉट, पिंक कलर के राउंड स्पॉट बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेटिकिया, ठीक है। ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से अगर जहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन मतलब हमारी स्किन में बाहर स्किन से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन उधर एक कलर बनाती है, पिंक कलर की स्पॉट्स बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेटिकिया कहते हैं, ठीक है। अभी एरिथमिया क्या है? एरिथमिया जो है हमारे पास रेडनेस ऑफ द स्किन, ठीक है, हमारे साथ जो स्किन में रेडनेस बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिथमिया, ठीक है। और उसका किस वजह से? इंजरी से और अदर इंफ्लेमेशन की वजह से बन सकता है, ठीक है। अभी एडिमा क्या है? जो अकोमुलेशन ऑफ ब्लड या फ्लूड हो जाती है, बॉडी जो फ्लूड है उसका अकुमुलेशन एक जगह पर हो जाते हैं, तो उसको हम एडिमा कहते हैं। और एडिमा का हम भी ये भी कह सकते हैं कि कैपिलरी लीक फ्लूड है। अभी हेयर का असेसमेंट कैसे करेंगे? पहले तो हम हेयर को जानते हैं कि हेयर है क्या। हेयर हमारे साथ केराटिन प्रोटीन है, जो कि मैट्रिक्स सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो एक हमारा हेयर है, ठीक है, ये काफी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हेयर फॉलिकल से ओरिजिनेट होता है, उधर उसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो हेयर फॉलिकल में भरा हुआ होता है, ठीक है। इसका असेसमेंट हम कैसे करते हैं? हम नोड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि मतलब ये रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, या एक जगह पे है, एक जगह पे नहीं है, या बिल्कुल रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट है, तो और उसका क्वालिटी हम देखेंगे, उसका टेक्सचर हम देखेंगे, कलर्स कैसा है, ठीक है।
हेयर शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारे जो हेयर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अगर वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं तो उसको हम फिर एबनॉर्मेलिटीज कहेंगे, ठीक है। उसमें फिर डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मेलिटीज आते हैं। अभी इधर जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉमन एबनॉर्मेलिटीज है, उसको हमने मेंशन किया है। एक एलोपेशिया है। एलोपेशिया क्या है? हमारा हेयर रिमूव हो जाता है ऐसा, हमारे जो हेड की रीजन पे ऐसा सर्कल बनाया होता है और उससे क्या होता है, हेयर रिमूव होते हैं, ठीक है। और हिस्टिज्म जो है वो हमारा एक्सेसिव हेयरनेस एंड वुमेन, जो हमारे वुमेन वुमेन में एक्सेसिव हेयर को डेवलप होना को हम क्या कहते हैं, हेयर हिस्टिज्म, ठीक है। अभी नेल्स, नेल्स की असेसमेंट क्या कैसे करेंगे, और नेल है क्या, पहले तो ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेल जो है हमारे साथ एपिडर्मस सेल से बनते हैं। जब एपिडर्मस सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लेट केराटिन में, ठीक है, तो ये नेल्स बनाते हैं, ठीक है। हमारे साथ नेल्स जो है वो पिंक कलर में होते हैं, वाइट स्किन पीपल में पिंक कलर के होते हैं, और ब्राउन डार्क स्किन पीपल में होते हैं, ठीक है। जो हमारा नेल्स है कॉमनली कैसा होता है, वो अपीयरेंस में कैसा दिखता है, स्लाइटली करोड होता है, ठीक है, या प्लेट होते हैं। उसका जो एज है वो स्मूथ होते हैं, स्मूथ एजेस उसका होता है, ठीक है। और राउंड नॉर्मली जो है वो राउंड नेल होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन इसका जो मतलब ये 160 डिग्री पर होता है, ठीक है, 160 डिग्री पर ये लोकेटेड होता है, ठीक है। अभी हम नेल को असेस कैसे करते हैं, उसका शेप हम देखेंगे, नेल का शेप देखेंगे, ठीक है, नेल का कलर्स देखेंगे, ठीक है, जो नेल का जो थिकनेस है वो देखेंगे, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज को हम देखते हैं नेल के, तो पहले आता है क्लैम्प फिंगर नेल। क्लैम्प फिंगर नेल क्या होता है, जब नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा नेल जो है वो करोड़ होता है, कितने डिग्री पे, 160 डिग्री पे। अगर ये डिग्री ज्यादा होता है, 160 से ज्यादा होता है, 170 180 पर चला जाता है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, क्लैम्प फिंगर नेल कहते हैं, ठीक है। अभी स्प्लेंडर हिमोरेज, स्प्लेंडर हिमोरेज क्या है, जब रेडिश ब्राउन स्ट्रिप अपीयर हो जाते हैं हमारे नेल के अंदर, हमारे नाखून के अंदर जब रेडिश ब्राउन स्ट्रिप अपीयर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लेंडर हिमोरेज कहते हैं, ठीक है। ओके, म्यूरकस लाइन, म्यूरकस लाइन क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनली हमारा नेल्स में व्हाइट लाइंस अपीयर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूरकस लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इधर तक हमारा पार्ट वन था, इस हेल्थ असेसमेंट ऑफ हेड स्किन हेड नेक्स में हमारा ये पार्ट वन था। दूसरे पार्ट टू में हम हेड डिस्कस करेंगे, पार्ट थ्री में हम नेक डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर ऐसा खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।